सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे हम आंवले का अचार बनाएंगे। तो चलिए साथ में अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। सो गाइस, पहले मैंने आंवले को उबाल लिया। आंवला मेरा 1 kg था और आप लोग देख सकते हो जिसके अंदर का बीजा है उसको मैंने निकाल दिया है। सेम प्रोसेस करके मैंने सारे आंवले को निकाल दिया। उसके बाद मैंने मसाले की तैयार की है, तो उसके लिए पहले मैंने 2 बड़ा चम्मच सरसों लिया है, ये मेरा पीला सरसों था। उसके बाद मैंने 25 कली लहसुन की ली है। उसके बाद मैंने इसमें सूखी हुई लाल मिर्च भी डाली, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और एक चीज़ और, मैंने मिर्ची को भेज दिया था कम से कम आधे घंटे पहले, उसके बाद इसका जो पेस्ट बनता है वो बहुत ज़्यादा महीन बनता है। उसके बाद जो हमने आंवले उबाले थे उसे मैंने एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा ये टूटा है। उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था पीस के, वो आपको मैं दिखा देती हूँ कितना महीन पिसा हुआ और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद मैंने इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड किया है। जिस चम्मच से हम हलवा खाते हैं उसी चम्मच से मैंने 3 बड़ा चम्मच पेस्ट ऐड किया है, आप लोग वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें 1 teaspoon हल्दी पाउडर डाला है। उसके बाद मैंने नमक स्वाद अनुसार डाला है। फिर मैंने हींग डाला है। हींग से जो फ्लेवर होता है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद मैंने 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। इसमें हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे ना आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो और 2-3 दिन तक धूप दिखा दो तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और ये ठंड के सीज़न में काफ़ी टेस्टी लगता है, क्योंकि ठंड के सीज़न में अचार खाने में जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैं आपको सर्व भी करके दिखा देती हूँ। और जो आंवला होता है वो हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, ठंड में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।